दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि फल नवंबर 2022 के बारे में। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में आदि हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में, नवंबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, तो आइए जान लेते हैं। नवंबर के महीने में चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का, मंगल का, बुध का और शुक्र का। ये चारों ग्रह विशेष फल देने वाले हैं। सूर्य जो है 16 तारीख को तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे लगन भाव में, जो कि बेहद ही शुभ माने जाएंगे, और मंगल जो है 13 तारीख को वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। वही बुध जो है 13 तारीख से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे रहेंगे, और शुक्र भी जो है 11 तारीख से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 12वें भाव को तुला राशि को छोड़कर। गुरु जो है 24 तारीख को नवंबर में मार्गी हो रहे हैं वक्री से, तो ये भी आपके लिए बेहद शुभ है और बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे और नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, वृश्चिक लग्न वालों के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 13 तारीख तक ये अष्टम भाव में गोचर कर, जो कि बेहद ही अशुभ परिणाम देते हैं। लग्नेश यदि 6 भाव में, 8 भाव में या 12 भाव में गोचर करें तो ये अशुभ माना जाता है। तो मंगल जो है आपके लिए अच्छे नहीं है और ये 13 तारीख तक अशुभ परिणाम देंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकते हैं, कामकाज को भी कहीं ना कहीं जो है विलंब करने का काम करेंगे, बिगाड़ने का काम करेंगे, नुकसान ज्यादा करेंगे, खर्चे ज्यादा कराएंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है और छोटे मोटे जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये संभावनाएं बनती हैं। तो 13 तारीख तक जो है मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, तो यहां पर ध्यान देना है, अच्छी स्थिति नहीं। लेकिन जैसे ही वृषभ राशि में आएंगे तो काफी कुछ स्थितियां जो है वो आपकी सुधरने लगेंगी। लेकिन सप्तम भाव में भी मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पैदा होने लगेंगी, पति पत्नी में टकराव होने लगेगा, विवाद में स्थितियां होने बन जाएगी, इसलिए यहां पर भी कोई खास अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी, जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, खर्चे हो रहे थे, काम बन नहीं रहे थे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं राहत भरी खबर रहेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आपकी बनने लगेंगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें हम सूर्य के बारे में। 16 तारीख को सूर्य जो है वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्य आपके कैरियर के मालिक है और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि हानि कर रहे थे, नुकसान हो रहा था, कार्य क्षेत्र में बड़ी समस्याएं बन रही थी, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में आपको नुकसान हो रहा था, बड़ी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि हानि ज्यादा हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे। तो खर्चे ज्यादा होने का कारण ये है कि कैरियर का जो मालिक है वो खर्चे के भाव में बैठा है, व्यय के भाव में बैठा है, और यहाँ पर 16 तारीख तक वृश्चिक राशि में यहाँ पर रहेगी सूर्य, इस कारण से नुकसान ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन जब लगन भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर को, तो पूरे महीने 16 तारीख के बाद जो है लगन भाव में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो मनमुटाव चल रहा था बॉस के साथ, आपके ऑफिस में जो दिक्कतें चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और पुनः अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी। तो सूर्य लगन भाव में आत्मविश्वास भी देते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जोश देंगे, जुनून देंगे और कार्य को अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ यश मान सम्मान भी देंगे। तो 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे।
मंगल के बारे में बात करें तो मंगल जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। बुध के बारे में, 13 तारीख से वृश्चिक राशि में बुध आएंगे। बुध 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, खर्चे ज्यादा कराते, नुकसान कराते, व्यय कराते, स्किन प्रॉब्लम देते, बहुत सारी समस्याएं देते हैं। लेकिन ये भी जो है लगन भाव में जब आ जाएंगे 13 तारीख को, 13 नवंबर को, तो अच्छे परिणाम देंगे। व्यापार बढ़िया हो जाएगा, नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो बुध भी आपको अच्छे परिणाम 13 तारीख के बाद देंगे, 13 तारीख तक नुकसान करेंगे। बुध आपके मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, इस कारण से नुकसान कर रहे थे। शुक्र के बारे में बात करें तो 11 तारीख से ये भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे लगन भाव में। वैसे शुक्र 12वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कोई खास उतने नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी भोग विलास में खर्चा करवाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का खर्च ही हो गया। तो ये 11 तारीख को आ जाएंगे लगन भाव में, तो खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा, यश मान सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपकी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। तो शुक्र कई सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। शुक्र एक तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे और छोटी मोटी यात्राएं भी करवाएंगे देश विदेश की, वहां से भी लाभ देने का काम करेंगे, तो शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन ये समझ जाइए कि 16 तारीख तक सूर्य खराब परिणाम देंगे, मंगल भी 13 तारीख तक खराब परिणाम देंगे और बुध भी 13 तारीख तक खराब परिणाम देंगे और शुक्र मिले जुले परिणाम देंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। ये समझ जाइए मोटा मोटा कि नवंबर के महीने में 15 तारीख के बाद स्थितियां आपकी, आधे महीने के बाद जो है स्थितियां आपकी सुधार में, यहां पर ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो ये लाभ आपको देखने को मिलेंगे। गुरु भी जो है मार्गी हो रहे हैं, गुरु पंचम भाव में अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन ये वक्री थे इस कारण से इनके भी परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे। 24 तारीख के बाद ये मार्गी हो जाएंगे तो शिक्षा में लाभ मिलेगा, संतान में लाभ मिलेगा, प्रेम विवाह में भी सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी आपका काफी कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, लगन भाव में स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया करेंगे, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे। शनि की बात करें तो शनि जो है वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं, तो ये बेहद लाभ देंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे और विदेश की यात्राएं भी करवाएंगे, विदेश से जुड़ी हुई कार्य भी आपके करवाएंगे, जो पेंडिंग काम थे जो बन नहीं रहे थे वो भी करवाने का काम करेंगे, जो बहुत सारे कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो भी जो है यहाँ पर सुधार हो सकता है, काफी अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आएंगे तो काफी कुछ स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जब तक अष्टम भाव में मंगल गोचर करेंगे तो वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए कोई ऐसा कार्य ना करें। राहु आपके जो छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो शत्रुओं को परास्त करते हैं, ऋणों को समाप्त करने का काम, रोगों को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन जब मंगल आपके शुभ स्थिति में होंगे तब, अभी मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से राहु भी आपका विशेष सपोर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति रहेगी। केतु 12वें भाव में मिले जुले परिणाम देते हैं, मोक्ष कारक होते हैं, तो यहाँ पर खर्चों में थोड़ा नियंत्रण भी करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 3 ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, तो खर्चे आपके नवंबर के महीने में बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आपको विशेष जरूरत है। शनि आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी योग बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है खरीदते समय सोचना है, विचारना है, 4 लोगों का सलाह लेना है, उसके बाद करें, नहीं तो नुकसान की भी आशंकाएं बन रही है, इसलिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत रहेगी। धन के मालिक गुरु है, पंचम भाव में बैठे हैं, धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। तो ये चीजें भी आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। वैसे कहा जाए तो नवंबर आधे महीने तक स्थिति आपकी ठीक नहीं है और नवंबर के 15 तारीख के बाद ये समझ जाइए मोटा मोटा आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद।